यूक्रेन की लड़ाई में जो हथियार सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आए हैं वो मिलिट्री टैंक है। यूक्रेन की सड़कों पर हमने देखा कि कैसे रूस के टैंक यूक्रेन की जेवलिन मिसाइल के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे में सवाल ये है कि हमारे देश की इंडियन आर्मी इससे क्या सबक ले रही है। तो हम आपको बता दें कि DRDO अर्जुन टैंक के नए वर्जन अर्जुन टैंक मार्क 2A पर काम कर रहा है। हालांकि ये काफी वक्त से लटका हुआ है। अब संसद की रक्षा मामलों की स्टैंड कमेटी ने DRDO को सुझाव दिया है कि इस पर तेजी से काम किया जाए, क्योंकि कमेटी को ये लगता है कि इसके बिना आर्मी के टैंक पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते हैं। अर्जुन टैंक को इंडियन आर्मी ने मेन बैटल टैंक का दर्जा दिया है। आर्मी के पास अर्जुन टैंक के अलावा T-72 और T-90 टैंक है। ये दोनों ही टैंक रूस से लिए गए हैं। T-90 टैंक में मेन गन के बैरल में मिसाइल फायर की जा सकती है, हालांकि T-72 और अर्जुन टैंक में ये क्षमता नहीं है। इंडियन आर्मी के पास जो अर्जुन टैंक है उसका नया वर्जन अर्जुन मार्क 1A अभी प्रोडक्शन स्टेज में है और जल्द ही आर्मी को मिल जाएगा। ये पहले के टैंक से ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें भी मिसाइल फायर करने का प्रावधान नहीं है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि जब अर्जुन टैंक के नए वर्जन के आइडिया पर काम हो रहा था तब विचार था कि अर्जुन मार्क 2 को बनाया जाए जिसमें मिसाइल फायर करने का सिस्टम होगा जैसा कि T-90 टैंक में है, लेकिन 2018 में जब इसका रिव्यू किया गया तो पाया गया कि मार्क 2 में पूरी क्षमता नहीं मिल पाएगी और फिर मार्क 1A पर काम किया गया और इसमें मिसाइल के प्रावधान का विचार ड्रॉप कर दिया गया। पिछले साल फरवरी में अर्जुन मार्क 1A को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ जनरल MS नरवणे को सौंपा था, जिसके बाद सितंबर में आर्मी ने 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक का ऑर्डर दिया। इसमें पुराने अर्जुन टैंक से 72 नए फीचर हैं, लेकिन मिसाइल फायर करने का सिस्टम नहीं। DRDO अर्जुन मार्क 2 पर काम कर रहा है और कुछ रेंज में ट्रायल भी सफल रहा है। इसमें जो मिसाइल होगी वो स्वदेशी होगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल सेकेंड जनरेशन मिसाइल होगी, यानी टारगेट को लगातार ट्रैक करना होगा। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल नहीं होगी। 2 साल पहले जब ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव शुरू हुआ था तब इंडियन आर्मी ने अपने T-90 बैटल टैंक ईस्टर्न लद्दाख में मूव किया था। रूस के बने T-90 टैंक को भारत ने 2001 में खरीदा था। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।